नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अलग अलग मामलों को लेकर घिरे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब विदेश यात्रा पर जल्द ही नजर आने वाले हैं। पटना लोअर कोर्ट ने इसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तहत ही कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर सुनवाई की है। इस दौरान ही कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की अपील पर उनके पासपोर्ट रिन्यूअल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, इसी वजह से रिन्यूअल करवाना है। वहीं अदालत को इस बात की जानकारी दी गई है कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद ये है कि लालू यादव को सिंगापुर जाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव आखिर विदेश दौरे पर जाना क्यों चाह रहे हैं, तो हम आपकी इस दुविधा को खत्म करते हैं और बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए रिन्यूअल पासपोर्ट की जरूरत है। इसी को लेकर उनके पासपोर्ट को रिन्यू करवाने का काम भी तेजी से हो रहा है। हालांकि अब तक इसकी अनुमति कोर्ट की तरफ से नहीं मिली थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव कई मामलों में सजायाफ्ता है, ऐसे में विदेश यात्रा की अनुमति उन्हें नहीं थी। लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए समय की मांग यही है कि उन्हें सिंगापुर इलाज के लिए जल्द से जल्द भेजा जाए। लालू प्रसाद यादव वैसे ही कई बीमारियों से संक्रमित है, उनके स्वास्थ्य कारणों के कारण ही वो कोर्ट और अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। लालू यादव कई अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, दांत जैसी कई बीमारियों से ग्रसित है, जिसका रिम्स में डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही उनके दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी किया गया था। लालू प्रसाद यादव लंबे समय से ही कई बीमारियों से ग्रसित है, जिसका आधार बनाते हुए जमानत के लिए कई मामलों में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि चारा घोटाले के 5 मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई है, लेकिन सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सशर्त जमानत भी दे दी है, जिसमें उन्हें अपना पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा कराना था और मोबाइल नंबर नहीं बदलना था। आपको ये भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव की एक बेटी रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहती है। उम्मीद है कि लालू यादव अगर सिंगापुर जाते हैं तो यही रुकेंगे। हालांकि आगे लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर जाने को लेकर कौन कौन सी नई जानकारी निकल करके सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।